second one of the video. अपनी मर्जी से लगे था कोई पॉइंट नहीं है। उन लोगों का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग जो लोग करते हैं हम जैसे लोग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले बजे जितने भी सात दिन आप दूर दूर करते हैं तो हमारे को अपना अपना जो तो बताओ स्टैंड लग रहे हैं सर। उन लोगों की बात है, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत कंपनी के ऊपर एक क्लेम थोपा गया कि ये कंपनी चिटफंड कंपनी है, ये लोगों को भ्रमित करी है। साढ़े चार साल से राधे श्याम जी ने एक मुहिम जो छेड़ी फ्यूचर पेपर के माध्यम से, आज तक किसी एक कस्टमर का किसी का कमीशन पेंडिंग नहीं है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी के साथ कोई चिटफंड नहीं हुआ। चिटफंड कंपनियाँ बहुत हुई है, वो कंपनियां बाकी है, लेकिन हमारे सीएम जी साहब आज भी अपने तन मन धन के साथ प्रशासन का साथ देते हुए उसने अपने आप को सरेंडर किया कि अगर से मेरे में कोई कसूर है तो मैं उसको के लिए सजा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर, और इसी चीज़ से हम प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया। अभी आप इसके द्वारा हाँ सर देखिए इस साइड देखिए सर, हमारे लाखों परिवार फोटो खींचिए सर इसकी सर, हमारे बच्चों के पेट पर लात मारी जा रही है सर। एक मिनट दोबारा लो जी बच्चे ही फोटो ले अपने को सही है ये सर। Okay. तो आज प्रशासन का साथ लेते हुए सर हम इसको डीसी साहब को सोमनाथ के लिए आए थे, प्रशासन हमारा साथ देगा, हमें पूरा विश्वास है, हम इस चीज को दे रहे सर। और फील्ड एसोसिएट मैं फील्ड एसोसिएट से हाथ जोड़ के निम्न निवेदन करता हूँ, आज का ये मैसेज डीसी साहब के माध्यम से पूरे उसमें चला जाएगा, नहीं तो दो दिन बाद फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना मैसेज फिर देंगे और इसके ऊपर प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे कि इस प्रशासन से कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जय फ्यूचर मेकर, जय फ्यूचर मेकर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, फ्यूचर मेकर जिंदाबाद, फ्यूचर मेकर जिंदाबाद। ये अपने तरफ से गलत करके साहब ने दोहराया इस चीज को, हमारे वो देखिए वो तो हमारी हेल्प से नहीं है, वो तो कोई का कहीं का नहीं है, हमारा सारी वो किसी का के तरफ से आए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो भाई, एक मिनट सर, हमारी रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हैं भाई, पूरी रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हैं, जिनको पूरी रिकॉर्डिंग के पास नहीं है, सारे वहीं रहेंगे, वहीं इकट्ठे रहेंगे।